पाने भिडियो षष्ठ श्रेणी उत्थान विज्ञान चतुर्दश अध्याय प्राकृतिक घटनावली विषय टी पढ़ा एम कौन जानव देख यो नीलघर कोठरी लिखाई विभिन्न प्रकार प्राकृतिक घटनावल प्रक्रिया और कारण गुड़िक अन्वेषण करेंगे परिवेश सुरक्षापी जत्नवान हे और उद्यम करेंगे ये सब जिनगढ़ तुम्हें जानव तेल कार्यफर्दर प्रथम प्रश्नटी देख वर्षा समय जोटी हुए ना ताको गोल बोला पे मैंने लिखाई बिजुली मारे घड़घड़ी शब्द जल अभाव रास्ताघाट कादू तो वर्षा समय केउटी हुए ना जल अभाव वर्षा समय जल अभाव हुए ना से आम गोल बुलेले तुम आंसर हम जलर अभाव नंबर दुई के ऋतु नई और पोखरी पा सुखी जाए यह तो गोटे इजी क्वेश्चन ना ग्रीष्म ऋतु है ग्रीष्म ऋतु नई पोखरीर पा सब सुखी जाए है नंबर तीन जल क्यों तीनोटी अवस्था रही पारे लेख जल रोटी अवस्था रही तार नाम है कठिन तरल ग्यासीय नंबर चार जल को गरम कले कौन सृष्टि हुए जल को गरम कले बांफ बाष्प सृष्टि हुए नंबर पाँच बरफ को बाहर रखिदेले कौन हे आंसर हे तरली जीव आम जदि बरफ को बाहर रखिदबा तेल से बाह्य तापमात्रा संस्पर्शरे आसी तरली जीव है भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह और ठीक उक्ति पाखरे ठीक चिन्ह दियो नंबर छ गरम भात हांडीर घोड़ोनी रे जल बिंदु गुड़िक लगी था यह ठीक नंबर सात खरा दिने वायुमंडल अधिक उत्तप्त हुए ना यह तो भूल कारण खरा दिने वायुमंडल अधिक उत्तप्त रही थाए नंबर आठ अधिक जल को अधिक थंडा कले बरफरे परिणत हुए ना यह भूल कारण जल को थंडा कले कौन हुए अधिक थंडा कले बरफरे परिणत हुई थाए तो आठ सात नंबर और आठ नंबर आंसर हम भूल है भूल चिन्ह लिख ताहले आकलन फर्द देख भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह और ठीक उक्ति पाखरे ठीक चिन्ह दियो एक नंबर ब्लैकबोर्ड को अदा कपड़े पोछीदे कि समय पर सुखी जाए यह हूँ ठीक ये आम रईट चिन्ह देवा नंबर दुई समुद्र नदी और ह्रद इत्यादि पा बाष्पीकरण द्वारा जलीय बाष्पर परिणत हुए यह हूँ भूल पाने बाष्पीकरण द्वारा जलीय बाष्पर परिणत हुए ना बाष्पी भवन द्वारा समुद्र नदी ह्रद इत्यादि पा बाष्प कौन बाष्पर परिणत होता है तो यार आंसर हम भूल नंबर तीन जल को थंडा कले बांफरे परिणत हुए भूल पाने जल को थंडा कले बरफर परिणत होता है नंबर चार वृक्षलता और जंगल वर्षा करिवारे सहाय्य करती यह हूँ राइट है यह कौन सठिक आंसर आम यह पाख कोठरी राइट चिन्ह देवा तापर देख बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी शून्य स्थान पूरण कर जो पांच नंबर जो प्रणाली रे गैसीय पदार्थ तरल पदार्थ रे परिणत हुए ताकि डैश कह जाए बंधनी भितर एटी चारोटी शब्द देसी बाष्पीकरण बाष्पीभवन घनीकरण घनीभवन तो तुम आंसर है घनीकरण नंबर छ भूपृष्ठर जल जलीय बाष्प हो ऊपरक जा पुनश जल आकार भूपृष्ठ को फेर को डैश कह जाए तो यार आंसर है जलचक्र कह जाए नंबर सात रोसई बेले जल को उत्तप्त कर बांफ सृष्टि करवा डैश प्रक्रिया अटे तो यार आंसर है बाष्पीकरण प्रक्रिया अटे है कारण आम जल को निजे निजे बाष्प कर आम द्वारा मनुष्य द्वारा कृत्रिम आकार रे जल बाष्पी बाष्पर परिणत होगा प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहुए नंबर आठ मेघ समय रे बिजुली मारवा डैश प्रक्रिया यार आंसर है रासायनिक प्रक्रिया नंबर नौ आपे आपे बाष्प हो जल वायुमंडल मिसाक डैश कहुए यार आंसर है बाष्पी भवन कहुए जल जदि आपे आपे बाष्प हो सूर्य किरण उत्तापर जदि बाष्प हो निजे निजे कौन ही थाए वायुमंडल मिसी थाए ता होची बाष्पी भवन आदि ता कृत्रिम आकार मनुष्य द्वारा बाष्पीकरण करा जाए ता होची बाष्पीकरण भूल शब्द जोड़ी को गोल बुलाओ एठी तीनोटी शब्द जोड़ी देछि से थिरु जेउटी भूल आमे ता चारि पाखरे गोल बुलेबा नंबर दस गच्छ बाष्पीमोचन मेघर स्पार्क बिजुली जलर कठिन अवस्था बांफ तो पिला माने गच्छ
बाष्पीमोचन ठीक अच्छे मेघर स्पार्क को बिजुली कह जाए ठीक अच्छे किंतु जलर कठिन अवस्था बांफ यह हूँ भूल कारण ये दुईटी जाक कौन मैच खाऊना जलर कठिन अवस्था हूँ बरफ है तो ताल आमर भूल जोड़ीटी हो जलर कठिन अवस्था बांफ यह चारिपाखे आम गोल मार बाम पार्श्वर सामंजस्य को देखी दक्षिण पार्श्वर शून्य स्थान पूरण करवा नंबर एगार देख जल तरल अवस्था बांफ कौन है ग्यासीय अवस्था बांफ बाष्प हूँ जलर ग्यासीय अवस्था तो ये कौन आम ब्लांक्स कौन लिखा ना ग्यासीय अवस्था नंबर बार बिजुड़ी स्पार्क घड़घड़ी बिजुड़ी हूँ स्पार्क घड़घड़ी कौन ना गोटे शब्द तो बार नंबर खाली घरे आम लिखा शब्द तेर नंबर देख बाष्पीभवन प्राकृतिक बाष्पीकरण कृत्रिम है मुझ तुमको आगर कही बाष्पीभवन प्राकृतिक हिसाब से निजे निजे नदी जल ह्रद पोखरी इत्यादि जल सब कौन निजे निजे प्राकृतिक आकार बाष्प होगा प्रक्रिया को बाष्पीभवन कह जाए कृत्रिम आकार रे जदि आम निजे जल को गरम करकी बाष्प बाहर करष्पीकरण तो तेर नंबर आंसर हे कृत्रिम गोटे गोटे पार्थक्य दर्शाओ चौदह नंबर देखिए घनीभवन और घनीकरण यह भितर आम गोटे लेखाएं पार्थक्य लिखा तो पाने स्पेस कम थी तार आंसर टे ते लिखिदेसी देख प्रथम आम जाना घनीभवन कौन ना जो प्रणाली में कठिन पदार्थ ग्यासीय पदार्थ में परिणत हुए ताकि घनीभवन कहुए है घनीभवन बुझ कौन होता है ना जो प्रणाली में कठिन पदार्थटी ग्यासीय अवस्था परिणत होता है आम घनीभवन कही था तो घनीकरण कौन ना जो प्रणाली में ग्यासीय पदार्थ तरल पदार्थ में परिणत हुए ताकि घनीकरण कहुए ग्यासीय पदार्थ थी ता तरल जदि परिणत होगा से प्रक्रिया को कहुए घनीकरण ये गोटे लेखाएं पार्थक्य लिखी तो आम गोटे लेखाएं पार्थक्य लिखले ताले पंदर नंबर कौन उच्छेदन और बाष्पीकरण यह भितर आम पार्थक्य लिखा ये जगह कम थी एपटे तार आंसर टी लिखिदेसी देख उच्छेदन कहले कौन ना जो प्रक्रिय वृक्ष बलका जल को त्याग कैर ताक उच्छेदन कहती है वृक्षर कौन होता है ना वृक्ष चेर द्वारा मटी तलु जल को शोषि थाएं से ही जल को से निजे कौन तार खाद्य रूपे व्यवहार करें से ही जल को से व्यवहार कर सारापर जो बलका जल को से कौन कैर ना वायुमंडल को छाड़ थाए यह प्रक्रिया को कहुए उच्छेदन तापर बाष्पीकरण बाष्पीकरण अर्थ कौन ना जो प्रक्रिय जल को उत्तप्त कर बांफ बा जलीय बाष्प सृष्टि कराए ताकि बाष्पीकरण कहुए पाने आम आगर मध्य पढ़ीचु बाष्पीकरण अर्थ आम मैंने निजे निजे जल को तापमात्रा दे कि जिते बड़े गरम करकी बाष्पर परिणत करवा से आम निजे कृत्रिम हिसाब से बाष्प बाहर करवा से ही प्रक्रिया को कहुए बाष्पीकरण कारण आम बाष्प बाहर करा हूँ तुम बाष्पीकरण तो उच्छेदन कौन आष्पीकरण कौन जान ल तो पाने ये तुम यही कार्यफर्दटी सब प्रश्न उत्तर मुझे आलोचना कली भिडियोटी केमी लगे मत कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर जनइब आमि कले तुमको भल लगे लगी था तुम्हें लिखि जनइब वीडियो को मूल शेष पर्यंत देखिबो यदि मो चैनल रे नुआ था तेल सब्सक्राइब करने भूलो ना वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट कर तो आज ये पुणी अन्य गोटे वीडियो नहीं आसवा रोचे जय जगन्नाथ।